सरकार उसको अनुमति नहीं दे रही, ना आप करती हो ना उनको करने देती हो। मोदी जैसे एक प्रामाणिक व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री कहता है मैंने इसके लिए बनाया, तो डर किस बात का? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, वो राजनीति वहां चल रही है, वो राजनीति नहीं होनी चाहिए, इतनी गंदी राजनीति हुई। अनुराग ठाकुर जी के जो बात की थी उससे मैं सहमत हूं। आपने कहा कि देश कोरोना के लड़ रहा था तो लोग राजनीति खेल रहे थे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका आपकी पार्टी वहां विपक्ष करके वही राजनीति वहां भी खेल रहे, तो उनसे जरा कहो कि भाई वहां की सरकार कोरोना से लड़ रही, कोरोना का संकट सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र नहीं है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड कोरोना से कोई है तो महाराष्ट्र है। और आप भी जानते हो कि ऐसी स्थिति में भी महाराष्ट्र ने इतना अच्छा काम किया, मुंबई में इतना अच्छा काम किया, तो WHO ने उसको सराहना की है। तो ये जानकर मैं आपसे प्रार्थना, वो जो राजनीति वहां चल रही है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए, इतनी गंदी राजनीति हुई कि मैडम यू विल बी सरप्राइज टू नो, यू मे बी नोइंग इट ऑल्सो, जब प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की जो बात आई सर, तो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के लिए मैं बताऊंगा, मेरा चेक लिखा हुआ, मेरे मन में कभी नहीं आया, ठीक है रिजाइन किया मैं बाहर, हम लोग आ गए, फिर भी मैंने सोचा मैं राज्य को भी दूंगा केंद्र के भी दूंगा, मैंने दोनों चेक लिखी। और जब मैं देने गया तब तक मुझे पता चला कि महाराष्ट्र के बीजेपी के सारे सांसदों ने सिर्फ PM केयर फंड में पैसा दिया, राज्यों को पैसा नहीं दिया, उनकी सारी तनख्वाह यहां दे दी, उनके विधायकों ने भी तनख्वाह PM केयर फंड में दे दी, राज्य को नहीं दी, जबकि राज्य सबसे ज्यादा अफेक्टेड था। और दुर्भाग्य इस बात का लगता है मैडम, मेरी और एक प्रार्थना है, PM केयर फंड के डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, PM केयर फंड को अपने ATG में जो जो डोनर्स होंगे, जो लोग भी उन्हें मदद कर सकते हैं उसमें डोनेशन दे देंगे, उनको अपने ATG की सहूलत दे दी। लेकिन राज्य की सरकार ने भी उसी तरह फंड बनाया, उसको अपने सहूलत नहीं दे दी, ये अच्छा नहीं हुआ। अब रही बात वो प्राइम PM केयर फंड पे सब लोग बोलते रहते, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं इतना ही कहूंगा, व्हाई शुड आई फियर, उसको भी जाने तो ना, क्या है। मोदी जैसे एक प्रामाणिक व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री कहता है मैंने इसके लिए बनाया, तो डर किस बात का? आने दो लोगों को, RTI में जानकारी चाहिए ले लो भैया, इतना पैसा आया हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या डरना है उसमें? डरना नहीं चाहिए मुझे लगता है। और उसमें और एक बात रही है आपसे, GST के 22,000 करोड़, महाराष्ट्र के राज्य सरकार के 22,000 करोड़ रुपए अभी मिले नहीं है, आप जरा उसको प्राथमिकता से दे देंगी तो बहुत बहुत भला होगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। वही कोविड के लिए हमें भी वही तकलीफ होती रहती है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल मीटिंग एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, आई वेलकम दिस, नो डाउट अबाउट इट, उसमें कोई, लेकिन क्या हम बैंकों के कर्मचारी समाधान नहीं व्यक्त कर रहे? आपको ध्यान में नहीं, हम अमल के, आपने कल एक अच्छा काम किया है, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलूंगा, PMC बैंक के लिए आप जो कदम उठा रही हो, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द उनको न्याय मिले, उसका अमल कमीशन किसी बैंक से हो। आप विश्वास नहीं करेंगी मैडम वित्त मंत्री जी, मेरे पास महिलाएं आई उल्लासनगर से लंबे, तो एक रो रही थी, मैं बोला क्या हुआ, बोली मेरी जिंदगी की सब सारी आमदनी, मैं रिटायर्ड हुई थी, मैंने 50 लाख रुपए वहां रखे, मैं बोला क्यों, इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है पब्लिक सेक्टर बैंक से भी, इंटरेस्ट ज्यादा वहां मिलता है करके हमने वहां रखे, आज वो रो रहे हैं, आप उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो। पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में अमालगमेशन करते समय जो कदम उठा रहे जा रहे हैं, उसमें आपको जरा व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता लगेगी, मुझे लगता है आप उनका वेज एग्रीमेंट कर रही हूँ, लेकिन उस वेज एग्रीमेंट से भी उनका समाधान होगा ऐसे मुझे लगता नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, मैडम आप जानती हो, एक एकदम कैटेगोरिकल विषय बता देता हूँ, मैं आपकी सरकार को यह मत समझना विपक्ष कोई सूचना है जो आपके लिए स्वागत आ रहे, आज हाउसिंग में हम प्रधानमंत्री आवास योजना लाई, मुंबई शहर में बिल्डिंग ढह रही है, पुरानी बिल्डिंग गिर रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना 1-1.5 मिनट में खत्म करता हूँ, 1.5 मिनट में, अरे सर इतना वन मोर स्पीकर फ्रॉम योर पार्टी, मालूम है ना, तो क्या हो गया, उसको भी 2 मिनट ज्यादा दे दो ना, क्या फर्क पड़ता, मैं कंक्लूड करूंगा, मैं इसलिए बोला मैं ज्यादा राजनीतिक नहीं बात करूंगा। जो अभी हमारी राज्य सरकार ने BDD चाल की डेवलपमेंट का प्लान लाया, और BDD चाल के क्लस्टर है मुंबई में, एक BDD चाल का क्लस्टर अपने मुंबई पोर्टर्स के लैंड पर है, आप विश्वास करिए, अब आज तक सरकार उसको अनुमति नहीं दे रही, ना आप करती हो ना उनको करने देती हो। जैसे LIC की बिल्डिंग है, जैसे NTC की बिल्डिंग है, पुरानी हो गई है, ढह जाएगी, मर जाएंगे, 100-100 बरस पुरानी बिल्डिंग हुई है,
लेकिन आपको इसके ऊपर नीति लानी पड़ेगी। ये आप सिर्फ कहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है तो उससे काम नहीं होगा। आखिरी अपने अभी समय कम करके मैं आखिर पे आता हूँ सीधा, मैं प्रार्थना करता हूँ, माननीय इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त ये सारे क्षेत्रों का निजीकरण किया, राष्ट्रीयकरण किया, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, आपकी जनधन योजना किसके तहत सफल हुई? इन्हीं पब्लिक सेक्टर बैंकों की वजह से या प्राइवेट सेक्टर बैंकों की वजह से? एक सर एक ही वाक्य पूरा वाक्य करता हूँ। अब ये पब्लिक सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर को आप बचाएगी नहीं तो रोजगार भी जाएगा, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वो था, रोजगार मिले और गरीबों को न्याय मिले, इसलिए उन्होंने पब्लिक सेक्टर में आज अपनी प्रतिभा जो बन रही है ना वो सब बेचना है। मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ, आप बेचने की सोचते हो, हम बचाने की सोच रहे, दोनों इकट्ठा आएगा, बेचना भी होगा, बचने का काम कर